Fucking fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Being a fam, that's what they call me. यो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और गाइस आज मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्टर भाई, यार माइनक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब इंट्रो बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं। चलो तो भाई यार आज मैं 1v1 बैटल करवाने वाला हूँ आयरन गोलम और रेवेजर की। भाई देखने वाले हैं कौन जीतता है। और भाई बहुत सारी बैटल्स करवाने वाले हैं 1v2 और यहाँ तक 1v4 भी। भाई देखते हैं यार, पहले हम फोन करेंगे आयरन गोलम को और उसके बाद करवाएंगे रेवेजर को। और भाई यार देखो अबे भाई, आयरन गोलम तो उठा उठा के पटक रहा है भाई। भाई रेवेजर को एक्चुअली मारने का एक मौका तक नहीं मिल रहा, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा आयरन गोलम बहुत पावरफुल। अब इस आयरन गोलम की हेल्थ भी कम हो सकती है, इसलिए अब हम करवाने वाले हैं दूर जाके 1v2। यार ये टाइम आ जाता है, पहले हम टाइम सही कर लेते हैं, नून सेट करते हैं सेट। अब सही है, अब 1v2 कराने वाले हैं। वो आयरन गोलम ना आ जाए वैसे तो, कहाँ पे है वो, उधर उधर ही रहना चाहिए। अब हम दो करवाने वाले हैं 1v2 में कौन जीतेगा देखते हैं। 1v2 में अभी रेवेजर मार नहीं पा रहा, पता नहीं आयरन गोलम को क्यों नहीं मार रहा भाई। तो ओके, तो 1v2 में भाई अपना आयरन गोलम ही जीत रहा है। गाइस ये सारे के सारे नल्ले रेवेजर हैं। अब हम करवा भाई, तू उधर रहे, मैं थोड़ा दूर जाने वाला हूँ ताकि यहाँ पे ना आए, क्योंकि इसकी हेल्थ थोड़ी कम हो सकती है। वैसे तो हुई भी नहीं है, किसी भी आयरन गोलम की हेल्थ कम नहीं है। अरे यार रुइंड नेदर पोर्टल, मेरे सर्वाइवल सीरीज में भी मिल जाए मुझे ये सब तो अच्छा रहेगा। बस क्या मिलता है इसके अंदर, बढ़िया जो भी है बढ़िया। अब हम यहाँ पे फाइट कराते हैं, ये इस जगह पे फाइट कराते हैं, अच्छी है। अब हम करवाने वाले हैं गाइस, हम करवाने वाले हैं भाई 1v4, ठीक है। बहुत तगड़ा मैच होने वाला है ये वाला तो। अरे भाई गाइस देखना पड़ेगा कि आयरन गोलम जीतेगा या नहीं। ये से मारते क्यों नहीं है पता नहीं, यही ना मारने का मौका नहीं मिलता। अरे नहीं पड़ रही, आयरन गोलम को पड़ रही है भाई, सही में बहुत तगड़ी पड़ रही है। ये मार देंगे इसे भी, देखो पड़ रही आयरन गोलम को, सही है। 1v4 जीत जा आयरन गोलम, 1v4 जीत जा। गाइज अगर आयरन गोलम 1v4 जीत गया तो यार आपको लाइक के बटन को दबाना पड़ेगा यार प्लीज़। और अरे भाई 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 भाई, अरे भाई क्या होगा क्या होगा गाइज, अब तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना पड़ेगा यार। 1v4 जीत गया अपना आयरन गोलम। अब हम थोड़ा दूर जाते हैं और अब बैटल करवाने वाला हूँ मैं 1v10। ठीक है ये, अरे भाई ये नहीं यार, ये इसको नहीं, पहले हम स्पॉन कर लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करवाने वाले हैं बैटल, स्टार्ट हो जाओ भाई। भाई गाइस 1v10 हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा आयरन गोलम के लिए जीतना इसके अंदर, पता है मुझे। ओ गाइस यार आयरन गोलम मर गया, उसने एक को भी नहीं मारा, कोई बात नहीं। अब हम करने गाइस 1v10 हो रही थी यार, सोचो भी तो सही। अब हम करवाने वाले हैं दो आयरन गोलम के साथ बैटल, एक और के साथ करा ही लेते हैं ना जब इतने करा रहे हैं तो। अब बैटल होने वाले 3 के साथ। अब ये देखते हैं उठा को उठा के पटकने वाले हैं सबको, मुझे पक्का पता है जीतने वाले हैं अपने आयरन गोलम्स या फिर नहीं भी, क्योंकि इनकी नहीं भाई हार सकते हैं, बस जीत भी सकते हैं, कुछ नहीं पता। एक तो मर गया अपना आयरन, नहीं दोनों बच रहे हैं भाई। भाई बहुत तगड़ी बैटल है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियोज़ के लिए। और कमेंट करके बताओ यार आपको क्या पसंद है, आपको कौन पसंद है रेवेजर या फिर आयरन गोलम, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको एक और न्यू वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।